Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन. Dear friends, assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Educational Talks with Abbas. दोस्तों, ये मैंने YouTube जो चैनल स्टार्ट किए केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, हम इसमें वीडियोस ज़्यादातर वीडियोस केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस हैं. और इसमें मैंने जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स 2 के नाम से. केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की वीडियोस भी आ चुकी हैं आपके पास, और इसकी जो है लैब्स की वीडियोस भी आपके पास. प्लेलिस्ट में जाके आप केमिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं, आप जाके वहाँ पर देख लें. इस जो थर्मोडायनेमिक्स 2 में मैं लेक्चर 1 जो काफ़ी स्टूडेंट्स को जिसमें प्रॉब्लम होता है वो इंटरपोलेशन क्या है, हम ऐसे जनरल भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और आपको थर्मोडायनेमिकल के लिहाज से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो व्हाट इज़ इंटरपोलेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंटरपोलेशन क्या चीज़ है. इंटरपोलेशन जो है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसे हम अननाउन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बाय एस्टिमेशन फाइंड कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम इसमें A to Z आपको मैं इसको टेबल के थ्रू दिखाऊंगा, जो थर्मोडायनेमिक टेबल्स होते हैं. तो हम सीखेंगे डबल इंटरपोलेशन क्या है, तो सिंगल इंटरपोलेशन क्या है. अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है फुल ज़रूर देखिएगा. मैं आपको थर्मोडायनेमिक टेबल दिखाता हूँ. सबसे पहले ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेबल है, ठीक है. अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो है सैचुरेटेड वेपर VG हमारे पास इसमें है 77.926, और हमारे पास 16 डिग्री सेल्सियस पे है 73.33. अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सैचुरेटेड वेपर, मैंने वेपर देखना है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम 74.926 पे मैंने चेक करना है कि उस पर टेम्परेचर क्या आता है मेरा. तो मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूं, मैं आपको इसका इंटरपोलेशन का मेथड बता देता हूं. पहले मैं डाटा यहाँ पे लिख देता हूं. डाटा क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर है और हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है. वॉल्यूम मैं कह देता हूँ इसे, हमारे पास सैचुरेटेड वॉल्यूम है. कोई भी आपके पास डाटा इसमें हो, वॉल्यूम 77.926 है, 73.33 है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर kg पर है 16. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो हमारे पास डाटा जो है वो हमें 74.926 का चाहिए. हमें इस पर टेम्परेचर क्या होगा हमने ये देखना है, ठीक है. ये थर्मोडायनेमिक्स हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसमें काफ़ी यूज़ होता है. तो आप जनरल फार्मूला इसका याद रख लीजिए कि हमारे पास एक जगह पे मैं y कंसिडर कर लेता हूँ, y-y1 y2-y1 इज इक्वल टू x-x1 x2-x1. जो चीज़ हमने, आप याद रखें कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम हमेशा रखेंगे, जो चीज़ जिस पॉइंट में फाइंड करना है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे आएगी. अब हमें देखें, अब यहाँ पे मुझे जो है वॉल्यूम मुझे पता है कि 74.926 पे मैं इसको, जो हमें ये बेसिकली ये चीज़ हमें चाहिए, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ y, इसको कंसिडर कर लेता हूँ मैं x, ठीक है. हमें x का पॉइंट पता है कि हमें x 74.926 पे चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 74.926. ये आप याद रखें, जो ये वैल्यू हमारे पास x1 होगी, ये वैल्यू हमारे पास x2 होगी. माइनस एक्स वन करें तो इसका 77.926 आ जाएगा. x2 नीचे आएगा 73.33 माइनस 77.926. इस तरह आप यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, हमने y फाइंड करना है, ठीक है. वैसे टेम्परेचर भी कह सकते हैं, T-T1 भी कह सकते हैं इसको. अब y मैंने यहाँ पे फाइंड करना है, तो अब हम, मुझे नहीं पता टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे y लिखूँगा मैं. -y1 मुझे पता है 15 है और y2 मेरे पास 16 है, 16 - 15. मैं इसे कैलकुलेटर के थ्रू करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ मैं. ये देखिए, हम इसको 74 74.926 माइनस 77.926 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4.93 3 डिवाइड बाई 4.593 0.653 y माइनस 15 16 माइनस 15 1 y माइनस 15 and 0.653 plus 15 and then answer is 15.653. हमारे पास टेम्परेचर में पता चल गया कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा ये क्या यूज़ होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा हमने क्या देखा है, हमने ये कैलकुलेशन किया सारी, आप नज़र आपको आ गई होगी। हमने टी फाइंड कर लिया कि 15.653 होगा, यहाँ पे क्या होगा 15.653। तो इस तरह जो हम है हम अपना आसानी से जो हमें अननोन वैल्यू हम ये फाइंड कर सकते हैं। और ये मेथड था सिंगल इंटरपोलेशन का। सिंगल इंटरपोलेशन आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, कोई भी आपको आप चीज़ फाइंड करनी ऐसे आप कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ डबल इंटरपोलेशन की तरफ। डबल इंटरपोलेशन से क्या मुराद है, अब आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, ये थर्मोडाइनमिक्स टेबल हैं। अब मुझे चाहिए डाटा, अब आप देखें कि मुझे यहाँ पर प्रेशर जो है इसमें मेरे पास जो V है, ये पहला V है 1.188, मुझे चाहिए V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम 1.287 पे चाहिए, 1.287 पे मुझे ये चाहिए। अब देखें यहाँ पे, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 120 पे है 1.188, 1.317, 160। अब मुझे यहाँ पे जो डाटा चाहिए वो मेरे पास है 1.287, मुझे वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसे हम सिंगल इंटरपोलेशन से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे डिफ़िकल्टी ये है कि अब मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मुझे ये प्रेशर 1.5 बार है, यहाँ प्रेशर 3 बार है। अब मुझे इसमें चाहिए प्रेशर 2 बार पे चाहिए, प्रेशर हमें चाहिए 2 बार पे, ठीक है। आपको बस समझ आ रही है, प्रेशर हमें 2 बार पे चाहिए। और जो हमारे पास सैचुरेटेड टेम्परेचर है वो हमारा होना चाहिए यहाँ पे 140, ठीक है 140 होना चाहिए। और उसमें हमने V भी फाइंड करनी है, लेकिन 2 बार पे होनी चाहिए। ये अब हमारी डबल इंटरपोलेशन आ गई। पहले मैं इन दोनों को सिंगल इंटरपोलेशन से सोल्व करूँगा, इसे सिंगल इंटरपोलेशन से सोल्व करूँगा, फिर इसे यहाँ पे डबल इंटरपोलेशन यूज़ होगी। अब मैं इसको आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, पहले तो मुझे सबसे पहले प्रेशर चाहिए 2 बार पे, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर होना चाहिए 140। अब जो मुझे डाटा अवेलेबल है 120 पे और 160 पे, पहले प्रेशर में बात करूँगा 1.5 बार की, इस पे मुझे जो टेम्परेचर अवेलेबल हैं वो मेरे पास है 120 और 160 अवेलेबल है, ठीक है। मुझे चाहिए 140 पे। और इधर हम जब वॉल्यूम निकालना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम यहाँ पे है 1.188, 1.317, मुझे ये नहीं, मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है जी, मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है 140 पे फाइंड करना है मैंने, ठीक है। ये प्रेशर 1.5 बार। अब ये मेरे पास जो डाटा यहाँ पर है वो प्रेशर हमारे पास जो है 3 बार, यहाँ पे प्रेशर हमारे पास 3 बार है। ये मेरे पास टेम्परेचर यहाँ पे 120 और 160, मुझे 140 पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, यहाँ पे वॉल्यूम की कैटेगरी आ जाती है 0, यहाँ पे देखें 0.606, 0.606 और यहाँ पे आ जाती है 0.651। मुझे 140 पे चाहिए, ये मेरा वॉल्यूम है। अब आपको उम्मीद करता हूँ इन बातों की समझ आ गई होगी। प्रेशर हमने 2 बार पे फाइंड करना, लेकिन हमारे पास हमें 140 पे चाहिए, ठीक है। 140 भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास और प्रेशर 2 बार भी नहीं, मतलब हमें दो हमें इंटरप्रेशन यूज़ करनी पड़ेंगी। इसे डबल इंटरप्रेशन बोलते हैं, मतलब सिंगल इंटरप्रेशन को 2 टाइम्स यूज़ करना है। पहले इसमें मैं यूज़ करूँगा सिंगल इंटरप्रेशन, ठीक है, फिर मैं इसमें यूज़ करूँगा सिंगल इंटरप्रेशन को। आसान सा काम है। अब वही फार्मूले आप लगाएंगे, T माइनस T1 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास T2 माइनस T1 फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम V माइनस वी वन वी टू माइनस वी वन। अब मुझे टेम्परेचर जो है यहाँ पे T जो है यहाँ पे क्या आएगा, T हमारे हमने 140 पे फाइंड करना है, माइनस T1 हमारे पास 120 है, T2 हमारे पास जो है यहाँ पे 160 माइनस 140, V हमारे पास है जो हमने फाइंड करना हमें नहीं पता V का, माइनस V1 हमारे पास 1.188 है, V2 हमारे पास 1.317 माइनस 1.188 है। अब इससे हम सिंपल इनकी इंटरपोलेशन कर लें, T minus T1, T2 minus T1 and then V minus V1, V2 minus V1। अब यहाँ पे वही रहेगा 140 minus 120, 160 minus 140। अब V यहाँ पे क्या आएगा V, अब ये हम यूज़ करेंगे V1 हमारे पास minus 0.606, 0.61 minus 0.606। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें यूजिंग कैलकुलेटर, आप इसे सोल्व कर लें। 140 माइनस 120 20/21 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसे आप कर लें 1.317 माइनस 1.188। सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर ली, यहाँ पे 120 आना चाहिए था ना, T1 हमारे पास 120 है तो यहाँ पे 120 आना चाहिए था, सॉरी। 140 माइनस 120 20/40 0.5 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें आप 1.317 माइनस 1.188 0.129 V माइनस 1.188। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि आपको बाद में मसला ना हो, आप ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। 20/40 0.5 and V minus 0.606 0.651 minus 0.606 and then a 0.045। अब मल्टीप्लाई करने हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.129 प्लस 1.188। हमारे पास V जो आ गया 1.2525 आ गया, और यहाँ पे देखें भी हमारे पास क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 0.045 प्लस 0.606। अब हमारे पास ये V जो आ गया 0.6285 पे आ गया, ठीक है। हमारे पास ये जो V जो हमारे पास है ये हमारा था 1.5 बार पे, ये जो हमारा P3 बार वाला है ये V ये है। अब मेरे पास इन दोनों का आ गया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो है T140। अब सिंगल इंटरपोलेशन दोबारा इस्तेमाल करूँगा, इससे हम इसलिए बोलते हैं डबल इंटरपोलेशन। अब देखें ज़रा, अब मेरे पास जो है यहाँ पे आप V मेरे पास जो है यहाँ पे है 1.2525, V यहाँ पे मेरे पास है 0.6285। ये हमारा जब प्रेशर क्या था, ये 3 बार वाले प्रेशर, ये 3 बार वाले प्रेशर पे है, ये P 1.5 बार पे, लेकिन मुझे चाहिए जो P हो 2 बार पे, B जो हो 2 बार, मुझे ये चाहिए 2 हो P हो 2 बार पे, ठीक है। अब इसके लिए मैं फिर नेक्स्ट दोबारा फिर इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा, कैसे कि ये हमारे पास P है और ये V है। 1.2525 0.6285 ये हमारा 1.5 बार पे है, ये 3 बार पे है, मुझे चाहिए 2 पे कितना होगा। दोबारा मैं इंटरप्रेशन यूज़ करूँगा, आपको पता ही है P माइनस P1 P2 माइनस P1, यहाँ पे V माइनस V1 V2 माइनस, फार्मूला चेंज नहीं होगा यहाँ पे मेरे भाई, फार्मूला चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो P यहाँ पे क्या है 2, हमें चाहिए 2 पे माइनस 1.5 3 माइनस 1.5, V हमारे हमें नहीं पता, ठीक है। V1 क्या 1.2525, V2 हम जैसे हम V को इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, V2 0.6285 माइनस 1.2525। अब इसको हम करते हैं, अब इसको हम यूजिंग द कैलकुलेटर 2 माइनस 1.5 0.5 /1.5 ये हमारे पास आ गया 0.333। ये अब से करते हैं 0.6285 माइनस 1.2525 ये हमारे पास आ गया माइनस 0.624 V माइनस 1.2525। इसे मल्टीप्लाई करें 0.33 से, तो ये हमारे पास माइनस 0.2077 V माइनस 1.2525। अब इसे वहाँ जाके प्लस हो जाएगा माइनस 0.2077 प्लस 1.2525 1.2525 हमारे पास V जो आ गया है 1.0047। अब ये हमारा V किस पे आया है, प्रेशर 2 bar है और हमारा टेम्परेचर क्या था 140 पे। अब ये हमने यूज़ किया इसे डबल इंटरपोलेशन। अब ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको ये 5 मिनट का, आपको डबल इंटरपोलेशन 5 मिनट में कर सकते हैं मतलब, और सिंगल इंटरपोलेशन तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं आसानी से। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट तरीका समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और जो है मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।